वक्त की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली ऐसी भी शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजने की सिफारिश की है। आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है वो क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, इस विधेयक से क्या बदलेगा, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है, विधेयक पर सरकार का क्या कहना है। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं वक्फ कैसे किया जा सकता है। तो वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से अधिक है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार का या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है। यह भी जान लेते हैं कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रख रखाव, उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रख रखाव वक्फ ही करते हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड है, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में है। देश की आजादी के बाद 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रख रखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बना था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा करेगा, उसे दर्ज करेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करना सर्वे कमिश्नर ही करता है। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वाले को मुतवल्ली कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, इसको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली यानी कि वामसी के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपदा है। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड के संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ
विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। इसी धारा के तहत बोर्ड को सक्तियां थी कि वह किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके। विधायक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का वितरण दर्ज करना होगा। इस विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ की विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणाओं से जुड़ी है। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने का प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देना होगा। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। बदलाव के तहत मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। पहले वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी CEO की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। अब विधेयक के खंड 15 में धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 23 CEO की नियुक्ति उसके पद की अवधि पर सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है। ये प्रावधान किया गया है कि CEO राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके किसी धर्म के होने की आवश्यकता को भी नहीं हटाया दिया जा सकता। नए विधेयक के अनुसार केंद्रीय परिषद में अब 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 प्रतिनिधि और 3 मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। नए विधेयक में एक अहम बदलाव कलेक्टर की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर किया गया है। अब जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। धारा 3C में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बिल सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है। इसी में कहा गया है कि राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होनी चाहिए। इसी में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। इस बिल में जो भी प्रावधान है उसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, यह बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। 1995 में जो संशोधन किए गए थे उन्हें 2013 में लाए गए संशोधनों के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया, इसलिए यह बिल लाना पड़ा। 1995 का वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा, इसलिए यह संशोधन करना पड़ रहा है। कहना चाहता हूँ, हम सबका कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख, सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी MP को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये एक बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर
इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वक्त बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहाँ टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूँ। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जो जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है, ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार कॉल आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सर, खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी। वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों ने कब्जा किया है। आम मुसलमान लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया है। एक नॉन मुस्लिम, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुसलमानों का वेलफेयर के लिए ये बिल रखने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से इतना एक भला काम करने का जो मौका मिला है, ये हर आदमी को ये मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि हर रोज हम लोग काम करते हैं इस सदन में बैठ करके, 12 बजे तक रात तक हम लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो सदियों तक याद रखेगा कि ऐसा काम किसी सरकार को, किसी मंत्री को बात रखने का मौका मिलता है। सर, मेरा पास और भी पॉइंट बहुत है, लेकिन जैसे हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कई लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है, मैं मानता हूं कि जो प्रमुख रूप से जो मुद्दा, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया, उसका हमने रिप्लाई कर दिया गया है। और बिल में जितना भी प्रावधान, जितना सेक्शन हमने या डिलीशन किया, एडिशन किया या अमेंड किया, सारे के सारे प्रावधान को हम उचित समय पर और विस्तार से आपके सामने में रखूंगा। ये मेरा आखिरी भाषण नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इतना आपत्ति आप लोगों ने दर्ज किया, लेकिन मैंने उसका सिर्फ 50% ही रिप्लाई किया है। अभी 50% और भी जवाब देना बाकी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का परमिशन से आज आप लोगों को भी इतना सवाल उठाने का मौका दिया, इतना और मुझे भी आपके जितना भी आशंकाएं हैं दूर करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोडक्शन के रूप में पेश करूं। वक्फ संपत्तियों से जो भी कमाई होगी वह मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल होगी। लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में पेश करने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी, अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले बिल पर चर्चा करनी चाहिए। सदन में अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक बहुत सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, अब जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के पहले ही प्रक्रिया है तो उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का क्या औचित्य बनता है। सच्चाई यह है कि भाजपा अपने हताश, निराश, कट्टर समर्थकों के लिए विधेयक लेकर आई है। बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय
जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और सच, अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है, अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून, चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वतंत्रता को छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा राजद, NCP, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव गुट समेत अन्य दलों ने भी प्रस्तावित कानून का अलग अलग तर्कों के साथ विरोध किया है। गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं, सर आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप बिलकिस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि बिल में ये प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। ये किसी धर्म या आस्था और स्वतंत्रता पर हमला है। During this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? We are believing in, sir, I told that Guruvayur temple, there is a temple Devasvam board. Anybody can believe that that temple Devasvam board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about the, you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jains. Next, you will go for Parsi. Next, you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu there in our. Tradition. What is the tradition of Indian? What is the culture of Indian? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But we, same time, we are respecting the faith of other religions also. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया। हालांकि विपक्षी दल विधेयक को लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है।
उधर सरकार का कहना है कि वह वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है। संशोधन के बाद गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और मुस्लिम महिलाओं को भी केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में शामिल किया जा सकेगा।